कभी सच्चे हैं क्या? अभी बहुत पैसा कौड़ी गरीब माफी से मैं कैसे भी पेट काट के पैसा जमा करते हैं आगे आगे के लिए कि आगे बढ़ेगा। सहारा का पैसे को लेकर आपको क्या क्या दिक्कतें हैं? आप जिसे बोले बता दो। दिक्कत का यही है सर कि मतलब पैसा कौड़ी गरीब माफी से मैं कैसे भी पेट काट के पैसा जमा करते हैं आगे आगे के लिए कि आगे बढ़ेगा। अब बताओ कैसे काम चले, गरीब मने तो मर बैठा है, अब आगे कैसे काम हुए? आप लोग समझ नहीं रहे कुछ। नहीं, सरकार तो कह रही खाली 19,999 तक का भी आप रिफंड कर सकते हैं आपकी जो चीज़ें हैं। वो बात ठीक है, जौन बोल कहा जा रहा वो ठीक है, मतलब जौन है अपने वो भी तो देखो कि कैसे आदमी कर रहा है कैसे नहीं कर रहा है, उसको तो देखो। अब एक बैंड तीन बैंड एक साथ हो गए हैं तो उसको तीन इकट्ठे मतलब दे दो, वो भी नहीं बन रहा है। अलग अलग करना चाहते तो अलग अलग बताते, अलग अलग करते। लेकिन सरकार ने कहा था कि केवल एक ही बार में आपका जितना भी बांड है तीन हो या एक बार में पूरा जितना पूरा हो गया है करना है। मिले तो वो भी नहीं मिला अभी, अभी तक तीन महीने 6 महीने हो गए, 45 दिन का डेट रहा, 6 महीने पूरे हो गए। नहीं, गृह मंत्री अमित शाह से आप क्या कहना चाहेंगे अपने भुगतान को लेकर? सहारा भुगतान को लेकर अब देखो लड़की हमारी शादी करने वाली है, पैसा एक भी नहीं, इधर उधर से पैसा किस तरह कार्ड मांग के जमा करो कि आगे भविष्य बन जाए, और वो भी जमा करके मतलब अब भुइयां भवारी में बैठ गए तो बताओ कैसे काम चले। आपने कितने समय पहले पैसा जमा किया था? 15-20 साल तो हो ही गए हैं। सहारा से इससे पहले एक बार भुगतान हुआ आपका? नहीं हुआ। मतलब जब से जमा किए थे नहीं हुआ, कभी 1 रुपया नहीं भुगतान हुआ। जो सरकार ने अभी कहा था इसके बाद जब किए आप, उसके बाद क्या कमी आई थी? उसके बाद कमी क्या आई थी, अब कमी बहुत कुछ हुई थी, अब कहने से क्या मतलब। ये तो बेवकूफ बना रहे हैं, या तो पैसा दें या तो हमारे लोगों के कागज वापस करें।